जू बीच का नज़ारा कुछ ऐसा, और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और लेकिन जो गोवा में क्लियरिटी है ना बीचेस पे, वो चीज़ यहाँ नहीं है। ये देखो अनी हमारा घोर टेंशन मुद्रा में जू बीच के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा है। क्या सोच रहे बेटा? लो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग हुई है हमारी जू बीच रिजॉर्ट से। जू रेजिडेंसी होटल है वहाँ से, और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीनरी यहाँ की। ये देखो जो होटल बना हुआ है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी पुरानी, बहुत ही पुरानी है ये। मतलब जो रूम्स बने हुए हैं देखो, किस टाइप के ओल्ड डिज़ाइन के बने हुए हैं। और लेकिन ग्रीनरी देखो यहाँ पे, मतलब पूरी गोवा वाली फीलिंग आ रही है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे गोवा वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो, अच्छा यहाँ बेल का भी कलर चेंज हो गया है, बोगनविलिया का। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा ये वो रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसका नाम चेंज कर लेंगे। और देखो ये जू बीच के दर्शन आपको दिखाई देंगे ना दूर से। ये है जी देखो जू बीच का नज़ारा, और बिल्कुल शांत है इस टाइम। और ये देखो ये भी जाते हुए एरो पे यहाँ से। देखो जू बीच कितना बढ़िया लग रहा है अभी सुबह सुबह का टाइम, शांति, और लोग यहाँ पे योगा करते हुए, ठीक है। ये देखो जी दूर तक योगा चल रहा है, और इसी तरफ कहीं आगे जाके मन्नत भी आता है इनका। ये देखो अन्नी हमारा घोर टेंशन मुद्रा में जू बीच के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा है। क्या सोच रहे बेटा? हैं क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, एक्चुअल में सुबह सुबह है ना, जो पता लगा कि एसएल वर्ल्ड टेम्परेरी क्लोज्ड है, तो तब से ये टेंशन मुद्रा में आ रहा है कि मैं तो आया तो एसएल वर्ल्ड के लिए था, और एक उड़सा आम अल्फांजो आम खाने के लिए था। अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। कहते पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे को सड़कों में घुमा रहे हैं, ठीक है। ये देखो जी फ्लाइट से एक मिनट से भी कम में भी फ्लाइट से निकल रही है यहाँ पे। और ये है बीच का कुछ नज़ारा इस तरह, वो देखो दूर तक पूरा बीच इस तरह का नज़ारा है। और हर एक मिनट बाद कोई ना कोई फ्लाइट निकलती रहती है यहाँ से। ये अनी की मदद करते हुए, कुछ ढूंढते हुए जो इसका बैटरी डाउन हो गई है उसकी है। अच्छा इमेजी का ढूंढ लिया है अभी इन्होंने, अब वो दूर है लोनावला की तरफ है, तो प्लान चेंज करना पड़ेगा अब इसके लिए तो हमें।
चलो करते हैं हम प्लान चेंज। चलो हम आगे की अब सैर करवाते हैं। मन्नत की, चल भाई मन्नत को दिखा के लाते हैं तेरे को। तू इतना उदास हो रहा है, उसको तेरा मूड ठीक रहे। बेटा तू थोड़ी देर है ना यहाँ, जैसे कि हंस रहे हैं ना लोग। हाँ 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 हाँ, तो जो तेरे दिमाग में है ना, जो चल रही है खुराफाती है ना, उसमें शांति आ जाएगी थोड़ी सी। है ऐसे जी, इसके दिमाग में है ना बड़ी खुराफाती चल रही है यार। यूँ अब यूँ सोच रहा है SL वर्ड का कैसे मैं ओपन करवाऊँ। चल कोई ना कोई प्लान करेंगे बेटा, उसका भी दिखा। ठीक है, ये देखो जी कितने गुस्से में है। यूँ कह रहा मैं सारे कीड़े आज ही ढूंढ डालूंगा और खाने किसी को दुआ नहीं ना भाई, जुट रहा है खाने में। ये देखो जी सुबह सुबह है ना, कबूतर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। बताओ अब हनी को मैं कितना समझा रहा हूँ कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। ये ब्लैक कलर कबूतर भी आ गया एक। और ये देखो मॉर्निंग वॉक, ये देखो सारे मॉर्निंग वॉक करके निशान ऐसे पड़े हुए हैं। ये देखो समुंदर की आवाज़ आ रही है कितनी, लेकिन जो पानी नीला होना चाहिए ना, वो पानी नीला नहीं है, समुंदर का मटमैला सा है। और वो दूर आपको दिखाई दे रही है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और देखो ये है बॉम्बे की पहचान। ओहो क्या ठंडी ठंडी हवा आई है, हल्की हल्की। अब लेकिन है ना गोवा में एक चीज़ है, भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ, तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ये बीच की सिचुएशन ऐसे, बीच बीच में ब्लैक से है? ये पता नहीं क्या बना हुआ है, ये डिज़ाइन से ये रेत ऐसी है या गंदा है, गंद की वजह से है। हाँ रेत काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो पानी है ना रेतीला है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो वेव के साथ है ना पीछे जा रहा है, देखो ये वेव आई पीछे गई तो कुछ ना कुछ खाने को इसको मिल गया। अब वेव आएगी ना ये भागेगा आगे की तरफ, ये वेव आ रही है और ये उड़ लिया उड़ लिया उड़ लिया उड़ लिया। और अब ये नीचे बैठेगा वेव के जाने के बाद ना। ये देखो जी ये भी सैर, सुबह सुबह की सैर करते हुए। Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on. ये है जी देखो बीच, जू बीच का नज़ारा कुछ ऐसा। और हनी आ नहीं रहा था, कहता पानी गंदा है, पर पानी एक्चुअल में है ना इसमें रेत है बेसिकली मिक्स। पानी तो देखो वहाँ तो साफ है पीछे, लेकिन ये जो रेत मिक्स हो रही है ना उसकी वजह से थोड़ा सा पानी इस तरह का आ रहा है। और अब वेव्स बड़ी बड़ी आनी शुरू हो रही है, देखो पहले से जो कंपेरेटिवली सुबह थी ना उससे थोड़ी सी बड़ी है वेव्स अब जितनी भी हैं। ये देखो ओहो भाई लपेट लिया भाई, देखे ये रोल बना दिया है भाई, देखो ये रोल बना दिया है। पानी के अंदर
ये देखो, और साथ में यहाँ तो पीछे ये देखो जी, ये भी पूरे मज़े लेता हुआ आज ये पूरे मज़े ले रहा है। इसको पहली बार बाहर छोड़ा है, मेरे को लग रहा है खुले में, तो आज ये किसी के काबू भी नहीं आ रहा। ये देखो अब यूँ सोच रहा है कि मैं वेव को मैं पकड़ूंगा। ये वेव आ गई, अब ये वेव को पकड़ने के चक्कर में है। ये बड़ी, हाँ ये बड़ी थी वेव। ये देखो वेव कितनी बड़ी आ रही है, और ये अरे सरक गए भाई, सरक रहे। आज तो ये पूरा का पूरा है ना, आज ये पूरा, आज बड़ी मुश्किल से बेटा पिंजरे से बाहर निकला है, रोज बांध के रखते थे, आज इसको हनी साइड में हो लियो। हाँ लेब्राडोर है बेटा, पहली बार बाहर निकला है, तभी तो आज इसका ये हाल हो रहा है, आज ये पूरा खारे पानी में नहाएगा। ओ छोरे इनकी होगी लड़ाई है, देखो ये डर के भाग लिया है, पकड़ ले भाई उसने, पकड़ ले आज नहीं छोड़ेंगे। आराम से बात करना, अब इसको है ना, आ जा ओ भाग लिया भाई, वो भाग गया भाई, भाग गया इवन हाथ नहीं आवे, वो भाई देसी कुत्ता है कैसे आता होगा। ओ तेरी बॉल पकड़ ली है उसने, देखो अब ये बॉल नहीं देगा। आज तो है ना इसके भी मस्ती चढ़ गई है भाई, लेब्राडोर के भी। ओ पकड़ दी भाई, ओ पकड़ दी भाई। आज नहीं छोड़ेंगे हम। लो जी अब जू बीच पे हम चलते हुए, ओहो हो हो, पानी बहुत गंदा है पर वैसे शांति बहुत है, हवा भी ठीक चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है, और रात को पानी वहाँ तक काफ़ी ऊपर था, क्योंकि रात को है ना हाई टाइड आते हैं तो ऊपर हो जाता है पानी। ये देखो अब आनी शुरू होगी ना लहरें बड़ी बड़ी, ये देखो कितनी बड़ी लहर थी, यूजली ये छोटी छोटी आ रही थी थोड़ी देर पहले तक उस तरीके भाई। ये देखो और वो पीछे दिखाई दे रही है, वो देखो कितनी बड़ी आ रही है लहर, ये तो छोटी है सारी। ये देखो जी आज तो ये ब्रूनो आज ये खूब खुल के निकला है, और ऊपर प्लेन उड़ते हुए और नीचे ये मस्ती करते हुए। अच्छा ओके, अरे हिला क्यों रहे? मिला है और क्या है दिखाता हूँ मैं आपको, और छोटा सा नारियल, बहुत छोटा है नारियल है, कमाल है भाई नारियल तो इतने होते हैं। हाँ छोटा सा है बिल्कुल, कुछ करो। ये कैरावन है ना बेटू आदित्य, छोटा कैरावन
है जैसे होटल है ये। अच्छा सरकारी रेजिडेंस है जी, मंत्रियों के हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र सरकार के सारे है ना। ये है रेस कोर्स एरिया सारा। अच्छा ये फूल लगे हुए हैं अंदर साथ में। अच्छा है बना हुआ है इसमें। हाँ काफ़ी हरियाली भी बहुत है यहाँ पे, काफ़ी बोश एरिया लग रहा है। और ये जिमखाना वो क्लब होगा ये शायद इनका ना, जिमखाना क्लब है ये सारा। ये मेरीन ड्राइव। हाँ ये दिन का व्यू हो गया, शाम को लाइटनिंग अच्छी थी यहाँ पे। अच्छा ये कैबिनेट मिनिस्टर वो होगी, यहाँ कैबिनेट बैठती होगी। ये हाई कोर्ट है, ये लिफ्ट से जाओगे पूरा अगर बनाई जाए ये तो हाई कोर्ट है। ओके लास्ट। अच्छा हाई कोर्ट भी यहीं पे है बताओ। ये है जी फेरी के लिए जाने का रास्ता, गेटवे ऑफ इंडिया का कोलाबा पुलिस स्टेशन एंट्री यहाँ से होगी। ठीक है।